तुलसी घाट, गया घाट और क्या नाम है लास्ट वाला नमो घाट सुन लिया, हरिश्चंद्र घाट। नदी का उत्पन्न हुआ और यहाँ पे गंगा जी का प्रभाव होता है, तो गंगा और तुलसी घाट, गया घाट और क्या नाम है लास्ट वाला नमो घाट सुन लिया, हरिश्चंद्र घाट। एगो दशा समेत घाट जो सबसे गंगा आरती के फेमस है, पूरा घाटों का नाम बताइए ना, पूरा घाट का नाम बताइए ना, ललिता घाट है। चलिएगा ना तो पूरा घाट लिखा नाम देखते चल जाएंगे। अरे बता देंगे तो पहले से ही रहेगा ना, जाने का प्रयास ले रहे हैं और पचास घाट तक घुमाएंगे। दशा समेत घाट है जिसपे गंगा आरती सबसे फेमस मानी जाती है, तो वहाँ तक का पता चल और पूरा मतलब कि घाट घूमना है 80-84 घाट, तो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं कि नमो घाट तक, तो नमो घाट यानी कि आपका पूरा आ जाएगा। तो नमो घाट का बोल रहे हैं वो 100 रुपये और जो 50 घाट का बोल रहे हैं क्या कहते हैं कि 50 रुपये, और जब उस साइड जाएंगे ना उस साइड आपको उतार देंगे तक आप नहाइए होइए, तो और जो घूमने वाले हैं तो उनको लेके ले जाएंगे घूमने के लिए 50 घाट पर, और फिर वापस आएंगे तो उधर से लोगों ले लेंगे। तो वैसे भी मैंने किया, उस साइड में गया था फिर आ गया, अभी मेरे को नमो घाट जाना है। 50 घाट जाने का मतलब क्या, मेरे को पूरा दिखना है ना, इसलिए 100 रुपये लेंगे लेकिन नमो घाट पूरा घूमना है, लेकिन 84-80 घाट नहीं उसमें। इस घाट का क्या नाम है, 80 घाट, इसका घाटी का नाम ही 80 घाट है। दो चार का तो नाम पता है, आप कहाँ से आए, गोरखपुर। दो चार का तो नाम पता है, तुलसी घाट, गया घाट, दशा समेत घाट, नमो घाट, हरिश्चंद्र घाट, ललिता घाट, मणिकरण घाट, और जैन घाट। तो आएंगे रास्ते में देखते जाना, क्योंकि टोटल 80 घाट है या 84 घाट, 84 तो इसका नाम 80 घाट है। और गंगा आरती के लिए जो दशा समेत है, दशा समेत घाट नहीं मतलब बता रहे थे कि गंगा आरती हर जगह होता है लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ होता है क्या कहते हैं कि दशा समेत घाट पर, चाय वाले जो बता रहे थे कि गंगा आरती के अंदर कोई फेमस आ गया भैया पार जाने वाले। पार का 50 ले रहे हैं, 50 घाट का 50 ले रहे हैं उन्होंने, और नमो घाट का 100 रुपये बोल रहे हैं। 100 रुपये सही है, जाएंगे नमो घाट का जाएगा ना 84 घाट, और 54 घाट 50 घाट जाएगा उसका 50 रुपये पार करके। जय गंगा आरती के लिए सबसे फेमस है।
जाता है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि लकड़ी और भी जलाने का जो मतलब कि आदमी मर जाता है हिंदू धर्म में, तो उनको जलाने का विधि विधान जो होता है, क्योंकि देखिए शायद इस जगह पर होता है, देख सकते हैं कि जलाया जा रहा है और लकड़ी वकड़ी भी रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वार बना हुआ है। आओगे तो वो छोड़ के चला भी जा सकता है, हाँ 2-4 मिनट और रुकता है, तो बोला 20 मिनट में यहाँ पर रुकें घूम सकते हो। तो देख सकते हैं कितना मस्त बना हुआ है, ये बैठने के लिए ऐसे पूरे बने पड़े हैं, हमारे पास भी देख सकते हैं एकदम साफ सफाई के साथ। और बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक आती है वो भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, फोटो के लिए वो फोटोग्राफी करा रहा हूँ आपको। इस तरह उल्टा चलने पे धूप के विपरीत दिशा में चलने पे वीडियो साफ नहीं आ रहा। काशी में घूमने आता है वो इधर जरूर आता है, 80 घाट पे नमो घाट तक है, इतने से अभी और बढ़ाए जाने आगे तक चलेगा। ये कहा जाता है कि ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर माता दुर्गा जी ने जब विजय पाया युद्ध में तो यहाँ पर विश्राम किए और उनका तलवार यहीं पे गिर गया, जिसकी वजह से 80 नदी का उत्पन्न हुआ और यहाँ पे गंगा जी का प्रभाव होता है, तो गंगा और 80 दोनों का संगम है, इसी को 80 घाट बोला जाता है इसीलिए। और यहाँ पर घाटों के चारों तरफ आपको नदी और अखाड़े ये सब देखने को मिल जाएंगे और संस्कृति का पूरा जोश होता है। जैसे ये मोदी जी ने वो क्या कहते हैं बनारस के लिए काशी के लिए कई चीज़ें की इसकी वजह से, और आपको पता होना चाहिए कि बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर जो कि यादव विलेन का रोल कर क्या करते थे अमित पुरी, जिन्होंने बोला था कि मैं मरने के बाद काशी नहीं दास संस्कार काशी में बोला जाता है कि जो मर जाते हैं ना तो डायरेक्ट क्या कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इसलिए
ट्रेन जा रहा है और ऊपर से गाड़ियाँ बड़ा संस्कार होता है लोगों का, आप देख सकते हैं। ये है ललिता घाट, ललिता घाट के पास में ही ये दान संस्कार होता है। यहाँ पे जो मेन गेट दिखाई दे रहा है यहीं से आते हैं लोग, उसके बगल में ही है मंदिर है। हो गया 84 पूरा घाट को घूमने का। 84 घाट का बोला जाता है नमो घाट बताया है। अब मैं चल रहा हूँ वापस, जहाँ से मैं रूम लिया था।